मैं हूं जुल्फी सुल्ताना और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कोविड-19 थर्ड वेव रिलेटेड अपडेट्स ये रही। बेंगलुरु में पिछले 5 दिनों में तकरीबन 242 बच्चों को कोविड-19 के अगेंस्ट पॉजिटिव पाया गया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि हमें डर है कि नंबर्स आगे चल के और बढ़ेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर का कहना है कि थोड़े दिनों में बच्चों को और ज्यादा इफेक्ट होगा और केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे और हमें इस बात की बेहद फिक्र है। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक कर्नाटका में तकरीबन 1338 न्यू एक्टिव केसेस और 31 डेथ्स पाए गए हैं। याद रहे, पिछले प्रेडिक्शन के मुताबिक थर्ड वेव जो है स्पेशली बच्चों को इफेक्ट करेगा। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के बीबीएमपी के बेंगलुरु सिविक बॉडी ने कहा है कि पिछले 5 दिनों में तकरीबन 242 बच्चे जो 19 ईयर्स के बिलो हैं कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने सबको अलर्ट कर दिया है, इस कोविड-19 की थर्ड वेव ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। डेटा के मुताबिक तकरीबन 106 बच्चे जो 9 ईयर्स से बिलो हैं और 136 बच्चे जो 9 और 19 ईयर्स के दरमियान हैं पिछले 5 दिनों में पॉजिटिव पाए गए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर का कहना है कि नंबर जो है कोविड-19 इन बच्चों के वो कुछ दिनों में ट्रिपल होंगे और बेहद फिक्र करने की बात है। हम अपने बच्चों को अपने घरों में रख के उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर अडल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो बच्चों में इम्यूनिटी जो लेवल होती है वो बहुत ही कम होती है। ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि हम पेरेंट्स को हाईली रिकमेंड करते हैं कि वो अपने बच्चों को घर में सेफ रखें, सुरक्षित रखें और तमाम कोविड-19 नॉर्म्स को फॉलो करें। इसी के चलते कर्नाटका सरकार ने ऑलरेडी नाइट और वीकेंड कर्फ्यू को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर कर दिया है। लोग जो केरला कर्नाटका और महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से एंट्री कर रहे हैं उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया दिया गया है और आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है जो 72 आवर्स के अंदर की होनी चाहिए वो मैंडेटरी कर दी गई है ताकि वो प्रोड्यूस करके कर्नाटका के बॉर्डर में यानी कर्नाटका को एंट्री कर सके। कर्नाटका में पिछले 1 महीने से रोजाना 1500 एक्टिव केसेस डेली रिपोर्ट किए जा रहे हैं। नए सीएम बसवराज बोम्मई ने वादा किया है कि वो वैक्सीन डोजेस 65 लाख से 1 करोड़ पर मंथ बढ़ाएंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल का कहना है कि सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है केसेस को कंट्रोल में लाने के लिए। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इस थर्ड वेव में जो ज्यादा इफेक्ट होंगे वो बच्चे होंगे, तो मैं आप तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ कि आप कोविड-19 के नॉर्म्स को फॉलो कीजिए और बेवजह अपने बच्चों को लेके बाहर ना जाए जहां पर स्पेशली क्राउड प्लेसेस हो। तो आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी आवाज।